नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। इस प्री बोर्ड एक्सप्रेस क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट है, जो प्री बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और आज की इस क्लास के अंदर जो 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो और 2021 में जो टर्म फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सबको गुड इवनिंग। प्रियंका कुमारी, सचिन के आर, अनिल नाथ, सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम सीबीएसई क्लास 12 के जो अकाउंटेंसी के टॉप एमसीक्यूज है, जो सीबीएसई के पेपर में पहले से आ रखे हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और इस क्लास के अंदर हम 2020 के अंदर जो एमसीक्यूज आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ में 2021 में जो आ रखे हैं उनका भी एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिरा गुड इवनिंग। स्टार्ट करने से पहले दो सूचनाएं आपको दे देते हैं कि एक हमारे पास मंडे से लेके फ्राइडे का जो एक हमारे पास ऐसा बैच है जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के लिए है। कॉमर्स में एमसीक्यू जो बैच है वो आपका 20 दिसंबर से लगभग 23 दिसंबर से आपका शुरू होने वाला है, और जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एमसीक्यूज का लाइव बैच है जिसमें 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये, और 20 डेट है इसकी। और ये बाइलिंगुअल रहेगा आपका, आर्ट्स का जो है वो अलग अलग मीडियम में रहेगा, साइंस का बायलिंगुअल रहने वाला है। मंडे टू फ्राइडे इसमें क्लास रहने वाली है, और नाम मात्र का शुल्क उसके अंदर रखा गया है। इस एमसीक्यू बेस को ज्वाइन करके आप अपनी सीयूटी की तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ में एक और ऐसा पहली बार प्रयोग हमने किया है, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को जूम मीटिंग पर यानी टू वे इंटरेक्टिव क्लास रहने वाली है। अर्ली बर्ड्स प्राइस उसका ऑफर 1499 रखा गया है। ये भी सेम आपका कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स का, आर्ट्स का आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग रहेगा, कॉमर्स का बायलिंगुअल, साइंस का बायलिंगुअल रहने वाला है। इसमें है ना, सैटरडे की जो क्लास रहने वाली है ना वो टू वे इंटरेक्टिव क्लास रहने वाली है, जिसमें स्टूडेंट जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, टीचर्स उनके सामने रहेंगे, जो भी उनके डाउट होंगे वो जो फ्राइडे तक जो भी पढ़ा है वो सारा पढ़ाएंगे, उसका रिविजन कराएंगे, उससे संबंधित बातें रहेंगी। कुल मिलाकर के एक तरह से जो ऑफलाइन वाला जो चीज़ है वो का वो उसमें होने वाला है सारा का सारा, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऑनलाइन क्लास रहने वाली है, सारे आपके फ्राइडे वाला है। तो दो कोर्स है ये, इसकी प्राइस जो है अभी अर्ली बर्ड्स में कम रखी गई है, बाद में इसकी प्राइस हाई हो जाएगी, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, बात करने वाले हैं जो सीबीएसई में पहले से पूछे हुए उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में नहीं पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको नरेशन दे रखी है, जनरल एंट्रीज पूछिए, यानी जनरल एंट्री आपको इसमें बनानी है। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मेंशन कर रखी है, नीचे नरेशन दे रखी है बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। इससे आपको क्या करना है, एंट्री बनानी है, एंट्री बना के देखनी है। तो बताओ इस नरेशन से क्या आप एंट्री बना सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज आपको कर रखा है, इससे क्या एंट्री बनने वाली है। ये सीबीएसई 2020 के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जैसा भी आपको लगता है एक बार आप एंट्री करके बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरह से होगी, क्यों होगी, सब डिटेल में डेप्थ में जाकर के हम बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की भी होती है भाई, सब क्लास होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपका पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए क्या राइट आंसर इसका होगा, फटाफट से जितने भी लाइव देख रहे हैं जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है उसकी एंट्री क्या क्या बनती है वो हम डिटेल से समझा देते हैं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करना कहीं परेशानी नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब चार्ज करते हैं तो उसकी एंट्री इस तरह से बनती है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये एंट्री बनती है। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इसकी एंट्री बनेगी। इसके साथ में अगर आपको कहता है कि इसको पी एंड एल या प्रोफेशनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, तो इसकी एंट्री बनती है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पी एंड एल
अपर ऑपरेशन अकाउंट ट्रांसफर करने की ये एंट्री बनती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने आपको दोनों एंट्रियाँ करके बता दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करने के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जब चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। और ट्रांसफर जब करेंगे TFRN ट्रांसफर किस में करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगला पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको दिखाते कैसे हैं, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में इसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो पार्टनर या कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बात करें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। तो हमने दोनों एंट्री करके बता दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करने की क्या एंट्री बनती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को ट्रांसफर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो क्या एंट्री बनती है, एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे इसका प्रेजेंटेशन होता है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे होता है, सारी कहानी बता दी। अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन और पूछा जाए कि इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी तो ये बनेगी पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट के किस साइड में दिखाए जाएंगे, डेबिट साइड में, इंटरेस्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? तो हमने पूरा सारे तरीके से एकदम चारों ओर से सारा एंगल से हमने इसका एनालिसिस कर लिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर CBSE में अब जनरल बनाने नहीं आएगी, पहले आते थे। हाँ बिल्कुल, चिराग सही कह रहे हो। अंशु कुमारी गुड इवनिंग। देखो अगला क्वेश्चन आपका है, एक कंपनी है जो 30,000 शेयर इशू कर रही है, 10% डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपीज़ वाले, और कॉलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन 25 लाख, 25 लाख रुपए के लोन के लिए वो 30,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले यानी 30 लाख रुपए के डिबेंचर 30 लाख के डिबेंचर इशू करिए फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहती है लिमिटेड कंपनी है, लोन लेना चाहती है कहाँ से, 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, 25 लाख का लोन चाहिए, और इस लोन के लिए वो अपने डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराना चाह रही है, कितने रुपए के, 30 लाख के। कैसे, 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 तो 30 लाख हो गया। तो राइट एंट्री क्या बनेगी इसमें, टेकन फ्रॉम बैंक लोन बैंक ऑफ इंडिया, आपको बताना है जब इसके लिए हम इश्यू डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम डिबेंचर को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इश्यू करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो उसमें डिबेंचर को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, ये पूछा गया है। बताइए क्या एंट्री बनेगी, नीचे नरेशन दे रखी है आपको, बिंग रुपीज 30 लाख 10% डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ रुपीज 25 लाख, 25 लाख रुपए के लोन के लिए 30 लाख रुपए के हमने डिबेंचर इशू किए हैं, उसकी एंट्री आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखो अमाउंट लिखी हुई थी, यहाँ पर अमाउंट भी नहीं लिखी हुई है, तो अमाउंट कितने लिखेंगे ये भी आपको बताना है, 25 लाख लिखेंगे या 30 लाख लिखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें समझनी है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिबेंचर जब हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इश्यू करते हैं तो इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड, सेकंड है व्हेन एंट्री इज पास्ड। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड, जब इसके लिए कोई हम एंट्री नहीं करते हैं। सेकंड सिचुएशन है व्हेन एंट्री इज पास्ड, जब इसके लिए एंट्री हम करें। व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप डिबेंचर इशू करते हैं लोन लेते हैं उसकी एंट्री करोगे,
लोन की ही एंट्री बनेगी, बाकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक से लोन लिया आपने, बस एक ही एंट्री बनेगी। लेकिन जब वैन डिबेंचर वैन एंट्रीज पास करते हैं, तब एक तो बैंक लोन लेंगे ये तो एंट्री होगी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो एंट्री बनेगी बनेगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो एंट्री होगी होगी। इसके साथ में एक और एंट्री बनती है जो होती है आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले हैं, 10% 10% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर जो एंट्री बनेगी वो 25 लाख से होगी, जितने का आपने लोन लिया है यहां पर भी 25 लाख, लेकिन ये 30 लाख से होगी क्योंकि डिबेंचर कितने डिपॉजिट करवाए, 30 लाख। तो ये वाली एंट्री यहां पर हमें करनी है। इधर एंट्री हमारी क्या बनेगी, ये वाली एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट 30 लाख से होगी, ये वाली एंट्री होगी। यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये होगा। और जैसे ही लोन का रीपेमेंट होता है, जब लोन का रीपेमेंट हो जाएगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, अपोजिट एंट्री बन जाएगी। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट हो जाता है तो उस समय आपको एंट्री कर देनी है डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर सस्पेंस, उस समय करना है, पहले नहीं करना। टू डिबेंचर सस्पेंस, ये है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अमाउंट कितनी आएगी, 30 लाख आएगी, 30 लाख आएगी। यानी ये वाली आंसर आपका, ये आंसर आपका ये वाली एंट्री। क्लियर है सबको? समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 30 लाख 30 लाख। क्यों होगा, कैसे होगा, पूरी कहानी हमने आपको समझा दी एकदम डिटेल से। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई परेशानी है तो पूछो, और समझ आ गया तो बता दो। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा आपको, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है गारमेंट्स का और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में उसका एक्सपेंसेस हुआ है, सेल ऑफ गारमेंट्स आर क्लासिफाइड एज एक्टिविटी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है, उसने रॉ मटेरियल का उसका एक्सपेंसेस हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के उसके एक्सपेंसेस हुए और उसने सेल्स किया है आपका जो भी उसने मैन्युफैक्चर किया था गारमेंट्स को उसको, तो उस एक्टिविटी को हम कहाँ पर दिखाएंगे, कौन सी एक्टिविटी में उसको दिखाएंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फिनेंसिंग एक्टिविटी में, या इनमें से कोई नहीं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गारमेंट्स बनाती है, उसने एक्सपेंसेस किए अपने मैन्युफैक्चरिंग पे, रॉ मटेरियल पे, और गारमेंट्स बना करके सेल्स कर दिए, तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो हम समझते हैं यहां पर इसको, क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपना बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं उससे कितना आपको कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो निकालने के दो तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो निकालने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपका इनफ्लो किससे होता है, आउटफ्लो किससे होता है, कैश का इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होगा,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करे उसको एक्सपेंसेस जो उसका है उसकी जो सेल्स वगैरह सारी इसमें इंक्लूड होगी। इनफ्लो का इसमें है सेल ऑफ गुड्स या सर्विस, आप जो भी सर्विस या गुड्स है उसको सेल करते हो तो आपका इनफ्लो होगा उससे। रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से जो पैसा मिलता है वो इसमें आएगा। इसके अलावा अदर कुछ भी कमीशन वगैरह मिलता है, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, वो सारा इसमें आएगा। इनकम टैक्स रिफंड इसमें आएगा। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा। पेमेंट टू क्रेटर एंड सप्लायर तो इसमें आएगा। सैलरी कमीशन पेड जो है वो आउटफ्लो में आएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स का पेड, इनकम टैक्स पेड आउटफ्लो में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाती है, डायरेक्ट मेथड से तो इसमें आ जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट से शुरू होता है, नेट प्रॉफिट से शुरू होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं उससे निकलता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। विनोद सैनी, राधे राधे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है पेड रुपीज फोर लेख एक्वायर शेयर इन आर डब्ल्यू लिमिटेड एंड रिसीव ए डिविडेंड रुपीज 40,000 आफ्टर एक्विजिशन, दीज ट्रांजेक्शन विल बी रिजल्ट इन सीबीसी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है। आपको कह रखा है कि एक हमने शेयर परचेज किया आर लिमिटेड का 4 लाख रुपीज़ का, और उसमें जैसे परचेज कर लिया उसके बाद में हमें 40,000 का हमको डिविडेंड भी मिल गया है। आपको पूछ रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पर शो करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, क्या कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा 4 लाख रुपीज़, या कैश जनरेट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 4,40,000, या कैश यूज होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,60,000, या कैश जनरेट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 3,60,000, कौन से एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये पूछा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, बताओ राइट आंसर क्या होगा इसमें। शेयर परचेज की अपने आरवी लिमिटेड के, आपने आरवी लिमिटेड के शेयर परचेज की है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको देखना है कौन सी एक्टिविटी है, पहले तो ये फाइंड करना है। हमने फाइंड कर लिया है ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैसे पता चला ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पता कैसे चला, कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो आता है शेयर का, इनफ्लो आउटफ्लो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो देखना है फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स या जिसे नॉन करंट असेट्स कह सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट, इनका क्या क्या होना चाहिए, या तो इनका परचेज होना चाहिए या सील होना चाहिए, फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट का या तो परचेज होना चाहिए या सेल्स होना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड का क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, है ना, या रेंटल कोई इनकम होती है तो इसके अंदर आती है। इसके अलावा रेंटल इनकम, इसके अलावा रेंटल जो इनकम होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर देखते हैं तो हमने शेयर परचेज किए आरवी लिमिटेड के, इसका लो इन्वेस्टमेंट है। आरवी लिमिटेड के शेयर क्या है, आरवी लिमिटेड के शेयर जो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट हमने किया इसका मतलब पैसा तो हमारा चला गया, ठीक है, हमारा पैसा चला गया। अब होता क्या है कि पैसा चला गया लेकिन साथ साथ में डिविडेंड भी मिला है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा 4 लाख रुपीज, क्योंकि हमने परचेज है किया, क्यों, क्योंकि परचेज किया इन्वेस्टमेंट का, और इनफ्लो कितना होगा, डिविडेंड मिला है ये इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होता है नेगेटिव में और ये होता है पॉजिटिव में, तो 3,60,000 का कैश यूज होगा भाई, कैश यूज होगा। एक्टिविटी कौन सी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी।
तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 360,000, हमने 360,000 का कैश यूज कर लिया है, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज कर लिया, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अंशु कुमारी आप कौन सी क्लास में भाई, 11th क्लास में हो तो आपने ये पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से समझ में आ गया, आपको आएगा ही नहीं, थ्योरी इसकी पढ़ी हुई होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, तब तो समझ में आएगा, 12th क्लास चल रही है ना, 12th क्लास का ये सॉरी राइट आंसर हमारा केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 360,000 रुपीज हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट सार्वजनिक जमाएं अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेड या सब हेड, कौन से हेड या सब हेडिंग में आएगा, इंटेंजिबल असेट्स में आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा, शेयर होल्डर में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, पब्लिक डिपॉजिट को हम कहां पर दिखाएंगे ये आपसे पूछा। जो हमने पब्लिक डिपॉजिट हमें मिला है उसको हम कहां पर शो करेंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पब्लिक डिपॉजिट ये जो है ना, जो हमारे एग्जांपल जो होते हैं कि इसमें क्या कहां पर आएगा, इसके लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है, कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग होता है। पब्लिक जो डिपॉजिट है वो हमारी असेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए परचेज ली जाती है, फंड में भी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी का भाग है, किसका हिस्सा है, नॉन करंट लायबिलिटी का, नॉन करंट लायबिलिटी का जो इसके अंदर हम जब कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो नॉन करंट लायबिलिटी आती है, एक तो होती है करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो आता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दीर्घकालीन उधार, लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग्स आता है इसके अंदर हम पब्लिक डिपॉजिट को दिखाते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा, राइट आंसर इसमें नॉन करंट लायबिलिटी होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान बोर्ड का आएगा तो आ जाएगा भाई, अभी जल्दी आएगा, 10th का आ गया तो उसका भी आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द सब हेड, कौन से सब हेड के अंदर दिखाएंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, ये आपका सीबीएसई 2020 में पूछा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में, या नन ऑफ द अबो। यहाँ पर देखो हेडिंग और सब हेडिंग दोनों दे रखी है तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस देखते हैं, मतलब एडवांस में आपको पैसा मिला इसका मतलब लॉन्ग टर्म तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया लॉन्ग टर्म तो नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा है। यहाँ पे ये तो हमारा सीधा हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचे दो ऑप्शन, इसमें से आपको सिलेक्शन करना है कौन सा होगा, करंट लायबिलिटी होगा या अदर करंट लायबिलिटी होगा, ये आपको फाइंड करना है, करंट लायबिलिटी होगा या अदर करंट लायबिलिटी होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, तो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की जो अंदर आता है आपका अदर करंट लायबिलिटी है, ये राइट आंसर हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ में हम थोड़ा बैलेंस शीट के हेडिंग सब हेडिंग की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट की जो हमारे हेडिंग सब हेडिंग है उसके डिस्कशन कर लेते हैं। बैलेंस शीट का जो पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो हेडिंग हमारे पास आती है वो आती है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, उसमें फिर तीन सब हेडिंग होती है, उसके बाद में आता है आपके पास शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हमारे पास आता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी। चौथा हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी। इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गए हमारा, सेकंड हमारा होता है असेट्स, सेकंड जो हमारा भाग आता है बैलेंस शीट का वो एसेट्स, एसेट्स में एक तो आता है नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा आता है करंट एसेट्स।
तो यहाँ से इन हेडिंग सब हेडिंग, इनके जो सब हेडिंग है, हेडिंग है उनके जो, इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन पूछे हुए, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 2020 का जो CBSE की जो MCQs था वो डिटेल से हमने डेप्थ में जाकर के सारा पढ़ लिया, एक पहले वाली क्लास में भी हो गया, इसमें हो गया। अब हम 21 का जो है उसमें अंदर जाते हैं। 21 का जो है वहाँ पर हम जाते हैं। ट्वेंटी वन वाले में जाते हैं, लेकिन 20 के और क्वेश्चन बाकी है क्या? हाँ, थोड़े क्वेश्चन और बाकी है, ये भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मीरा मायरा और नीरा पार्टनर है, मीरा मायरा और नीरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट वो 7:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 अप्रैल 2019 से। उनकी बैलेंस शीट के अंदर 45,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है? 45,000 का। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको आप मेंटेन करके रखेंगे। द अमाउंट डेबिटेड रेस्पेक्टिवली द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा मायरा एंड नीरा टू राइटिंग ऑफ द अमाउंट एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इसको राइट ऑफ करें, इसको नहीं रखना है, राइट ऑफ करें, तो क्या एंट्री बनेगी, किस रेशियो में होगी? तीन पार्टनर है, मीरा मायरा और नीरा, रेशियो उनका 2:2:1। इन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:5:3, लेकिन ये जब अपना चेंज करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने उन्होंने चेक किया कि बैलेंस शीट में उनके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ मिलेगा, असेट्स में मिलेगा या लाइबिलिटीज में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा बताओ? बैलेंस शीट में जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिलेगा ये किस साइड में मिलेगा, एसेट्स में मिलेगा या लाइबिलिटीज में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? असेट्स में मिलेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए हैं? 45,000। इसको अब क्या एडजस्टमेंट करना आपको अगर रखा है ये, अब राइट ऑफ करना चाहते हैं, इसको रखेंगे नहीं फ्यूचर में, मेंटेन नहीं करेंगे, तो किस रेशियो में होगा और कितना कितना होगा, किस रेशियो में होगा और कितना कितना होगा बताइए, किस रेशियो में होगा इतना बता दीजिए, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, कौन से रेशियो में होगा कितना कितना होगा वो अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए जब राइट ऑफ करते हैं ये, मेंटेन करके इसको नहीं रखेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जो उनको ओल्ड रेशियो था उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये राइट ऑफ करेंगे, रखेंगे नहीं, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। हम मीरा का हम बात करते हैं तो अपने आप फिर उसका भी आ जाएगा, मायरा का भी आ जाएगा 45,000, तो 5×9 होता है 18,000 होता है, तो 18 मीरा का हो जाएगा, 18 मायरा का हो जाएगा और नीरा का हो जाएगा 9,000। तो ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपना। इसकी एंट्री क्या बनती है अगर हम, ये तो हो गया सीधा, इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री बनेगी मीरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायरा कैपिटल अकाउंट डेबिट और नीरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 18,000 9,000, टोटल कितना हो जाएगा 45,000। अगर हम ये बात करें कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर मेंशन करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मीरा के कॉलम में 18,000, मायरा के 18 और नीरा के कितना आ जाएगा 9,000, नीरा के आ जाएगा। इसके साथ ही हमने 2020 के जो क्वेश्चन है वो हमने
कंप्लीट कर लिए हैं, 20 के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 20 20, हाँ यहाँ पर आ जाओ। अब हम 21 जो सीबीसी टर्म 1 में पूछे गए हैं, 21 वहाँ के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द, ये दो ऑप्शन इसके अंदर आपको दे रखे। सबसे पहला क्या रखा है, ड्राफ्टेड कहाँ पे होता है, पार्टनरशिप डीड जो है वो ड्राफ्ट कहाँ पे होता है, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टेड कहाँ पर होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होगा क्या, और फिर रजिस्टर कहाँ पे होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में होगा। दो सा ऑप्शन है, ड्राफ्टेड कहाँ पे होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होगा क्या, और रजिस्टर ऑफ फर्म्स में होगा। ड्राफ्टेड किस में होगा, स्टाम्प एक्ट में होगा और रजिस्टर ऑफ कंपनीज में होगा। ड्राफ्टेड स्टाम्प एक्ट में होगा क्या और रजिस्टर ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड होगा क्या। तो ध्यान देना इसमें पार्टनरशिप एक्ट में, जैसे ही हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो ये ड्राफ्टेड ऑलवेज स्टाम्प एक्ट में होता है। कारण क्या है, क्योंकि ड्राफ्ट का काम कौन करता है, स्टाम्प वगैरह लगते हैं, ड्राफ्टेड और आपका रजिस्टर्ड। तो ड्राफ्ट वगैरह का काम जहां होता है वहां पर आपको स्टाम्प लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे आप गलती से पार्टनरशिप एक्ट मत करना, स्टाम्प एक्ट होगा। यहां पे क्या होगा, स्टाम्प एक्ट होगा। रजिस्टर्ड कहां पर होगा, यहां पर रजिस्टर्ड के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के जो रजिस्ट्रार है वहां पर होगा। तो यहां पर राइट आंसर इसका हम चेक करते हैं, तो राइट आंसर हमारा स्टाम्प एक्ट में हम जाते हैं तो ये पहला ऑप्शन इसका ठीक है। इधर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से जाते हैं तो डी राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा कि पार्टनरशिप डीड जो है वो ड्राफ्ट कहां पे होता है, स्टाम्प एक्ट में होता है, और रजिस्टर्ड कहां पे होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में होता है। ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक देवी है जो 12,000 विड्रॉ करती है। देवी विड्रॉ 12,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में। इंटरेस्ट कितना है ड्रॉइंग्स पर, 12% पर एनम है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा देवी की ड्रॉइंग पे, सीबीएसई टर्म 1 में 2021 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इंटरेस्ट का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 14,400, 8,640, 7,200 और 1,200। यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में लगाना है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं हमें पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन किस पे पूछा गया। एवरेज पीरियड मेथड से इसको करना है, एवरेज पीरियड मेथड से जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का एवरेज पीरियड मेथड से फॉर्मूला है टोटल ड्रॉविंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ये इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास टोटल ड्रॉविंग्स चाहिए। टोटल ड्रॉविंग्स है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल ड्रॉविंग्स कितनी आ जाएगी, टोटल ड्रॉविंग्स 12,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा, 144,000। टोटल ड्रॉविंग 144,000, रेट क्वेश्चन में गिवन है 12/100। एवरेज पीरियड, जब हर पार्टनर मिडिल ऑफ एवरी मंथ में जब ड्रॉविंग करता है तो एवरेज पीरियड कितना होगा बताओ, एवरेज पीरियड कितना होगा जब हर पार्टनर मिडिल में हर मंथ में ड्रॉ करता है, एवरी मंथ जब ड्रॉविंग किया जाता है, बिगनिंग में जब ड्रॉविंग करें, मिडल में जब ड्रॉविंग करें और एंड में जब ड्रॉविंग करें, तो क्या कंडीशन रहने वाली है। जब आपको तो मिडल का निकाल के रखना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। मिडल का कितना आएगा, 6 मंथ, बिगनिंग में जाना है प्लस कर देना 0.5 हो जाएगा, एंड में जाना है माइनस कर देना 0.5 आ जाएगा। हमें तो मिडिल का कहा है तो एवरेज पीरियड कितना रखना, हमें 6/12 रखना है, 6/12
कैलकुलेट कर लेंगे, 20 से 20, 12 से 12 हो जाएगा हमारा। थोड़ा डार्क नहीं लेते हैं, ये लाइट कलर ले देते हैं ताकि कटे नहीं पूरा। 12 से 12 हो जाएगा, 20 से 20, और यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा 0, 6 4 24, 6 4 24, 24 और 2 26, 6 और 2 8, 6 4 0, राइट आंसर हो जाएगा 8 6 4 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ जाएगा? 8 6 4 0 आ जाएगा, 8 6 4 0 राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोलता कि हर महीने की बिगनिंग में ड्रॉइंग करती है देवी, तो राइट आंसर आपका एवरेज स्पीड में चेंज आता 6.5, एंड का कहता तो आपको 5.5 करना था, इंटरेस्ट रेट चेंज करता तो वो हो जाती, अमाउंट चेंज करता तो चेंज हो जाती, बस इससे ज़्यादा क्या चेंज होगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा, 8640 ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर एस टी पार्टनर है, तीन पार्टनर है आर एस और टी, रेशियो इनका 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। 31 मार्च 2021 देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड नेट प्रॉफिट ₹3,10,000, इनके पास नेट प्रॉफिट है 3,10,000। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने किया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम 90,000, 60,000 and 30,000 रेस्पेक्टिवली आर एस टी, एंड एनुअल सैलरी देंगे 60,000 ऑफ ईच आर एंड एस, आर और एस को दोनों को 60,000, 60,000। सीबीसी टर्म वन में ये क्वेश्चन आया है, आपको अगर कहा द रेशियो इन विच ऑफ द प्रॉफिट वुड बी अप्रोप्रिएटेड, रेशियो आपको प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? आर एस टी रेशियो है 5:3:2, प्रॉफिट पूरे साल भर का आपके पास है 3,10,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करके दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 90,000, 60,000 and 30,000, आपको रखा है सैलरी भी देनी है, एनुअल सैलरी देनी है आर को 60,000 और एस को भी देनी है 60,000। आपको रखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है भाई। प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन चेंज थोड़ी होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना वही रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वही रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3:2 है, यही रहने वाला है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो भी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम अगर डेप्थ में जाके देखें, पूरा करके देखें, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं ना, हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर अगर इसका हम बनाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, छोटी जगह कम पड़ रही है, इसको हम ठीक कर देते हैं और नेक्स्ट पे बना लेते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर इसका बनाएंगे, तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट हमारा कितना है। नेट प्रॉफिट लिखेंगे इधर बाय पी एंड एल अकाउंट या नेट प्रॉफिट के नाम से, 3,10,000 आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, 3,10,000 आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या क्या हमें गिवन है, अप्रोप्रिएशन किस किस का करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एस टी टू पार्टनर सैलरी आर एंड एस 60,000, 60,000, 1,20,000, कैपिटल 90,000, 60,000, 30,000 कितना हो जाएगा 1,80,000। टोटल जब हम चेक करते हैं तो टोटल अभी भी हमारा क्रेडिट का हाइयर है ना, क्रेडिट का टोटल अभी भी हमारा हाइयर है, क्रेडिट का टोटल कितना हमारा, क्रेडिट का टोटल हमारे पास 3,10,000,
डेबिट का टोटल हम लगाते हैं तो 3 लाख, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा 10,000, रिमेनिंग प्रॉफिट 10,000 जो टोटल है दोनों साइड में लिख देंगे 3,10,000, इधर भी लिख देंगे 3,10,000। रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट प्रॉफिट, किस किस का है आर एस और टी, किस रेशो में होगा 5:3:2 में होगा, कितना होगा 10,000, कितना हो जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10, 5,000, 3,000 और 2,000 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ही करना होता है इसको पूरा का पूरा, अगर क्वेश्चन पूछता तो इस तरह से करना था, लेकिन इसमें तो सिर्फ रेशियो पूछा था तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में 3,10,000 में से माइनस करने के बाद में जो बचता है उसको भी आपको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई चेंज उसमें नहीं करना है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन किसी तरह का चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन कर रखा है द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शंस अदर देन डेट्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करते हैं तो जब कैपिटल में चेंज कब आता है, कैपिटल में चेंज कैसे करते हैं, जब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का, तो कैपिटल में चेंज कब आता है, कौन सी कंडीशन में आता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता आएगा, विड्रॉ कैपिटल होगा तब आएगा, लोन होगा तब आएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो कैपिटल में चेंज कब आएगा, ध्यान दीजिएगा हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो मेथड है वहां पर ये एप्लीकेबल है। यहां पर हमारे टू अकाउंट होते हैं, नंबर फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नंबर टू पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है जब तक हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करें, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, और जब तक कैपिटल का विड्रॉ नहीं करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें तो चेंज होता करंट अकाउंट में तो सैलरी बोनस कमीशन वगैरह पार्टनर का दिखाते हैं तो चेंज होता रहता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नो चेंज, बट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा तो चेंज आएगा। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं तो यहाँ डी यानी ए और बी दोनों सही है, ये राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो ये आपके सीबीसी टर्म वन के जो 22 में पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम 21 के क्वेश्चन और 23 के जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जाने की इजाज़त दीजिए। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।